नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रीति। तो दिन भर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चुका है देश और विदेश की अहम खबरों का। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का अहम फैसला, 16 साल की मुस्लिम लड़की मर्जी से शादी को है स्वतंत्र, नवविवाहित जोड़े को सुरक्षा देने के दिए आदेश। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में 7 आतंकी हुए ढेर, इस साल अब तक 114 आतंकियों का हो चुका है सफाया। लखनऊ में दलित डिलीवरी बॉय से खाना लेने से किया इनकार, मुंह पर थूकने के साथ की मारपीट, दो नामी हस्ती समेत 14 पर केस हुआ दर्ज। महाराष्ट्र से आई दिल दहला देने वाली खबर, सांगली के महिसाल गांव में एक पूरे परिवार ने खाया जहर, दो कमरों में मिली 9 लाशें, कर्ज के चलते की आत्महत्या। आर्मी में 5 ग्रेड्स पर होगी अग्निवीरों की भर्ती, 1 जुलाई से होंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, 8वीं पास भी कर सकेंगे अप्लाई, आर्मी ने जारी की गाइडलाइन। कांग्रेस नेता सुबोध कान का पीएम पर विवादित बयान, पहले हिटलर से की तुलना, फिर सफाई में कहा मैं तो नारा लगा रहा था। अपनी ही शादी में नहीं पहुंचे ओडिशा के एक विधायक, गर्लफ्रेंड करती रही रजिस्ट्रार ऑफिस में इंतजार, एफआईआर होने पर बोले किसी ने बुलाया ही नहीं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज हुई समाप्त, बारिश में धुला 5वां मैच, सीरीज 2-2 से रही बराबर। विवादों में घिरी फिल्म जुग जुग जियो, करण जौहर पर फिल्म की स्क्रिप्ट चुराने का आरोप, रिलीज से पहले कोर्ट में होगी स्क्रीनिंग। रूट कैनाल से कन्नड़ एक्ट्रेस का बिगड़ा चेहरा, एनेस्थीसिया के बजाय दे दिया सैलिसिलिक एसिड, सर्जरी भी हुई फेल। तो देश विदेश की अहम खबरों में आज के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज। नमस्कार।